आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव माडली समस्तपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 40 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 17 किलोमीटर दूर है। 3000 वोट और 9000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती गुलशन ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ये गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। लॉकडाउन के चलते भी ग्राम प्रधान के द्वारा ग्रामवासियों की काफी मदद की गई है। ग्राम प्रधान श्रीमती गुलशन और सचिव रोहताश कुमार के द्वारा स्कूल व सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। इनके विकास कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। अपने इस कार्यकाल में गांव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी है, आइए जानते हैं प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक संभल के मांडली समस्तपुर ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से यहां लोगों को सहयोग मिला है लॉकडाउन के चलते भी, और क्या कोशिशें इनके समय रहते आगे जारी रहेंगी, इस सब के बारे में हम जानकारी लेकर के ग्राम प्रधान से आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान पति से। प्रधान, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आपका ये कार्यकाल, ग्राम प्रधान तो आपकी पत्नी है, यहाँ पर उनके कार्यकाल को लगभग कुछ ही समय अब बाकी बचा है, लगभग जो है पूरा टाइम कम्प्लीट ही समाप्ति की ओर है, तो अब तक के बीते हुए कार्यकाल में क्या क्या विकास आपके गांव में मतलब करवाया जा चुका है? विकास कार्य काफी कराया है, विकास कार्य में शौचालय बन रहा है, थोड़ा तेज बोलिए मैम, और सीसी टाइप का काम ज्यादा कराया है, नाले निर्माण की तरह है। तो मतलब क्या कच्चे रास्ते अभी बाकी बचे हैं या लगभग पूरा गांव पूरी तरह से कच्चे रास्ते तो नहीं है, एक भी नहीं बचा है, लगभग कीचड़मुक्त हो गया है पूरा गांव? कीचड़मुक्त हो गया है जी। लेकिन ये हमारे सामने जो रास्ता है ये PWD में आता है जी, इसमें रास्ता खराब, ये PWD का कहां का रास्ता जी? आवास मिले हैं लोगों को? ये आवास मिले थे पहले जो पिछले आवास थे प्रधानमंत्री आवास, उनको मिले थे। कितने परिवार अभी यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? लगभग 105 परिवार हैं अभी। 105 परिवार ऐसे हैं जो कच्चे मकान में। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट लगी है गांव में? हाँ, सोलर लाइट लगी, डस्टबिन वगैरह रखवाए हैं। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है गांव में, क्या स्थिति है साफ सफाई? साफ सफाई भी एक कर्मचारी है, सफाई करनी है, रेगुलर आते हैं? हाँ रेगुलर है, वो कभी हम शिकायत कर देते हैं उससे सफाई तो होती नहीं है जी, कभी जब हम शिकायत करते हैं उसे सस्पेंड करते हैं, फिर वो काफ़ी दिन मिलता है, मतलब कुछ दिन के सस्पेंशन के बाद में वो दोबारा से ब्लॉक करा देते हैं, लेकिन कोई राहत शिकायत का कोई असर नज़र नहीं आता? नहीं, फिर वो ये कि सफाई करनी जब देख है उससे हो नहीं पाती, तो फिर हम मौसम मंडी से बुला के और अपने पास से करा देते हैं अपने पास। अभी भी हर तमाशे में जब तमाशा लगने वाला होता है, जैसे अभी तमाशा लगने वाला है, बरसात का मौसम लगने वाला है, शुरू होने वाला है, तो हमने 25,000 रुपये मतलब ये नाले, 5 नाले हमारे 25,000 रुपये दे के उन्होंने नाली सफाई की अपनी तरफ से, ये आपने और 16,000 रुपये में नाली सफाई करी, तो 41,000 रुपये अपने पास किसी ने, कोई भी सरकार ने ये पैसा ये पाँच साल से कोई पैसा नहीं मिला है सफाई, मतलब सफाई के लिए किसी का सहयोग नहीं है, आपके अपने स्तर पर आपने करवाई जी। स्कूल में काया कर के अंतर्गत क्या क्या काम हुए, स्कूल में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत क्या क्या काम करवा दिया गया है? स्कूल में शौचालय बनाए थे और मिट्टी डलवाई पानी वगैरह की सुविधा वहाँ पर कर दी जी 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 जी। मिड डे मील वगैरह मिलता है सही समय पर, समय देते हैं आप स्कूल में जाते हैं, समय समय पर देखते हैं सरकारी बिल्डिंग में, यहाँ पुरानी स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत भवन ये हैं बने हुए गाँव में? पंचायत घर था, वो पुराना पंचायत घर है मुंडेवाली में जी, वो जर्जर हो गया, अब कोई पंचायत घर नहीं है इस वक्त, कोई भी पंचायत घर नहीं है, तो उसके जर्जर जो पंचायत भवन है उसके नवनिर्माण के लिए आपने प्रस्ताव रखा है जी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र, हाँ सफाई, वो आंगनबाड़ी केंद्र तो बने हुए हैं स्कूलों में, बने हुए मुंडेवाली में, अस्पताल बनवाया, वो अधूरा रह गया, वो लेंटर पड़ गया उसका, ये काम मतलब बन रहा है, ये बन रहा है। तो यहाँ से अस्पताल कितनी दूर पर है? अस्पताल काफ़ी उत्तर की साइड में है, कठुआ है, मतलब मरीजों को यहाँ कोई परेशानी तो नहीं होती, जैसे अगर कोई परेशानी पड़ जाए तो दूर जाना, 100 नंबर 102 नंबर की सुविधा मिल जाती है? हाँ मिल जाती है।
लॉकडाउन जैसे यहाँ पर 70 दिन का लॉकडाउन जो है पूरी तरह से रहा है देश में, तो इसमें आपके गांव में भी कई ऐसे परिवार होंगे जिनके आगे बड़ी दिक्कतें खाने पीने को लेकर के और भी कई समस्याएं आई होंगी, ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या भूमिका रहेगी? ये हमने दिखाती कुछ नहीं करा है, हमने तो जो भी गरीब थे हमने क्या रखा और गरीब हुआ हमारे यहाँ 400 जैसे भी हुआ और आटा 25 किलो 30 किलो मैंने राशन और आर्थिक मदद दोनों ही आपकी तरफ से लोगों को यहाँ मिली। जी, आप अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहेंगे? सरकार से एक तो हमारा पुणे वाले मिलक का रास्ता है जो मेन रास्ता है, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, जैसे जैसे घूम के जाना पड़ता है। वो रास्ता मंजूर भी कराती था जो वो होना का काम होना, तो वो पीडब्ल्यूडी का कोई टेंडर नहीं हो पा रहा है, पड़ा है जी पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता होगा जी। इसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसी समस्या महसूस करते हैं जिसके लिए चाहेंगे कि सरकार अगर मदद करे तो उस समस्या को जो है हटाया जा सके? और तो ये ज़्यादा समस्या हमारे गाँव में नहीं रहती है, रोड भी सब हो चुके हैं पूरे रोड में जो सीसी टाइल है, हमने ज़्यादातर काम सीसी टाइल से, मतलब गांव को कीचड़ मुक्त करने की आपकी पूरी कोशिश रही है ज़्यादातर। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास यहाँ बीते जो अभी ये कार्यकाल चल रहा है इसमें बीते 4-4.5 सालों में यहाँ करवाया गया है, जैसे कि सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण लगभग पूरी तरह से गांव कीचड़ मुक्त हो चुका है, कोई भी रास्ता यहां पर कच्चा बाकी नहीं है। इसके अलावा आवास कुछ ही लोगों को मिले हैं लेकिन अभी भी 105 लगभग परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवासों की ज़रूरत है। स्कूल में भी कायाकल्प के अंतर्गत कुछ काम हो चुका है और कुछ अभी भी जारी है। यहाँ पर अगर समस्याओं की तरफ नज़र करें तो कुछ समस्याएं अभी बाकी हैं, जैसे कि बारात घर जो निर्मित नहीं है, पंचायत भवन जिसकी हालत जर्जर है, जो होने और ना होने की एक ही स्थिति में है, उसके नवनिर्माण के लिए यहाँ प्रस्ताव दिया जा चुका है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं है। अस्पताल जो यहाँ बन रहा है अभी अधूरी कंडीशन में है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रमुख समस्या सामने आई है और ग्राम प्रधान द्वारा मांग रखी गई है वो एक मेन रास्ते को लेकर है, जो दूसरा गांव इस ग्राम पंचायत में लगता है उसका मेन रास्ता जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आता है, उस सड़क निर्माण के लिए यहां पर ये मांग रखते हैं। वैशापली के साथ मैं आ रही हूँ।